तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सबमर्सिबल मोटर का सिंगल फेज स्टार्टर है, जिसके अंदर जो हरा बटन है वो हम जब भी दबाते हैं तो यहाँ पर मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, वापस मोटर बंद हो जाती है। हरे बटन को बार बार दबाते हैं फिर भी मोटर चालू नहीं हो रही है। यहाँ पे वोल्टेज सही से आ रहा है, परंतु जो हरा बटन है उससे हमारी जो मोटर है वो चालू नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको सही कैसे कर सकते हैं। तो सही करने के लिए सबसे पहले, यदि आप मिस्त्री हैं या फिर आप मोटर के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी जो मोटर है वो जाम तो नहीं है, और यदि जाम है तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है इसके जो तीन वायर है, इसको डायरेक्ट मोटर चला के आप एम्पियर मीटर से पता कर सकते हैं कि आपकी मोटर जाम है या नहीं। यदि आपकी मोटर जाम नहीं है तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपके जो इसमें रनिंग और स्टार्टर कैपेसिटर लगा हुआ है कहीं वो ख़राब तो नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक एक को चेक कर लेना है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है जो 250 मतलब 200 से 250 तक है, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस कैपेसिटर को चेक किया तो ये ख़राब है, तो यहाँ पे मैं इस कैपेसिटर को बदलने वाला हूँ। आपको भी इस प्रकार से सभी कैपेसिटर को चेक कर लेना है, जो भी यहाँ पे ख़राब है उसको बदल देना है। अब बदलने के लिए आपको इसके ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है कौन सा लगा हुआ है, इसके अनुसार आप मार्केट से ला सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे आप दूसरा कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैपेसिटर उसको भी बदल दिया है। अब मैं यहाँ पे मैं अपनी जो मोटर है जो कि यहाँ पे किसी की मेरे पास आई है, अब मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रही है। अब भी यदि स्टार्ट नहीं होती तो इसका मतलब ये कि इसका जो ये स्टार्ट बटन है जो कि यहाँ पे आप हरा बटन देख सकते हैं, तो इसको अब हमें चेक करना है। तो मुझे लगता है कि ये जो बटन है वो भी ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वायर को निकाल देते हैं, और वायर को निकालने के बाद ये जो हरा बटन है इसकी वायरिंग को आपको ध्यान में रख के समझना है, और इसके बाद यहाँ पे इसकी वायरिंग को खोल के यहाँ पे हमें इस बटन को भी निकाल देना है। तो चलिए मैं इस बटन को निकाल देता हूँ, और निकालने के बाद यदि आप इस बटन को मार्केट से लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मार्केट से आसानी से आपको ये मिल जाता है, आप वहाँ से ला सकते हैं। और यदि आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। रिपेयर करने के लिए यहाँ पे दो बोल्ट दिए हुए, जिसको मैं खोल देता हूँ, और इसके अंदर पत्ती आती है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि थोड़ी आउट हो गई थी, जिससे कि कभी कभार ये चलता था और कभी कभार नहीं चलता था। तो मैं यहाँ पे इसको रिपेयर करके मैंने इसको फिट कर लिया है। आपको रिपेयर करना नहीं आता तो आप मार्केट से दूसरा भी ला सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो मोटर है वो यहाँ पे इस स्टार्टर से चालू हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टर अब काम कर रहा है, यहाँ पे बंद चालू हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।